नमस्कार। आलू ब्लॉग, आलू कैसे खोदा जाता है, आलू कहाँ होता है, आलू मंडी में आता है, उस तब तक का पूरा प्रोसेस अभी हम दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये मैसी 1035 ट्रैक्टर है और ये ज़मीन में आलू निकलते हैं, जैसा कि आप दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो पर लाइव। और ये मशीन के द्वारा आलू की खुदाई करते हुए किसान आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ब्लॉग पूरा देखना, तो ब्लॉग में पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आलू की खुदाई, ये आलू यहाँ से निकलता हुआ। और ये देखिए, ये ज़मीन में से आलू यहाँ पर आ रहा है, अभी इसकी छटाई होगी और लेबर इसकी करेगी छटाई। तो ये आलू आप देख सकते हैं किस तरह ज़मीन में से निकल रहा है और ये ट्रैक्टर की खुदाई होते हुए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू पोटैटो, ये वो आलू जो मंडी से लेके आते हैं। अभी सफाई होगी इसकी, बोरियों में पैक होगा तब जाके मंडियों में इसको लाया जाएगा। तो अब इसकी होगी छटाई, छटाई के बाद में ये बोरियों में भरा जाएगा और उसके बाद इस बोरियों भरने के बाद ये पहुंचेगा मंडी में। मंडी से आता है जगह जगह जहाँ जहाँ ट्रक से आते हैं और वहाँ पर हम मंडी में जाके आलू खरीदते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा खेत और इस पूरे खेत की खुदाई होगी, पूरे दिन इसमें ट्रैक्टर चलने वाला है। और लेबर आप देख सकते हैं मोर्चा ले लिया है और अपनी अपनी जगह पर छटाई के लिए लेबर बैठती हुई यहाँ पर। और ये आलू का ब्लॉक आपके समक्ष और पूरा प्रोसेस, अभी बोरियों की छटाई भी होनी है इसमें। और ये आलू की छटाई करते हुए लोग आपके समक्ष। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं, लेबर किस तरह से काम करती है, आलू कैसे खोदा जाता है, आलू कहाँ होता है, तो ये बहुत बेसिक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर है मैसी फर्गूसन 1035, जो बहुत ही कामयाब ट्रैक्टर है, छोटा है, कहीं भी मुड़ जाता है, तो उस बहुत आसानी होती है आलू को खोदने की, डिगिंग करने की। और ये मज़दूर छांटते हुए आलुओं को। और दोस्तों क्योंकि ये आलू खोदना एक बहुत ही टेढ़ा काम है, इसमें बहुत मेहनत होती है, छांटना, ढूंढना आलू को, मिट्टी से अलग करना, बोरियों में भरना, तो इस तरह के ब्लॉग हम आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ब्लॉग पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे ब्लॉग हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगा कि ब्लॉग में कुछ सुझाव देना चाहें तो आप सुझाव भी आपके आमंत्रित हैं, दिल खोल के आप सुझाव हमको दे सकते हैं। दोस्तों ये ब्लॉग है गांव गड़ीमा डिस्ट्रिक्ट आगरा ब्लॉक अछनीरा से, और ट्रैक्टर ओनर हैं रणधीर सिंह मैसी फर्गूसन से खुदाई करते हुए। और ये रणधीर सिंह बहुत ही कामयाब एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं आलूओं के बारे में, तो कोई भी सलाह लेनी हो तो आपको इसमें लिंक में आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमें। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आलू की छटाई होने के बाद अब होगी इनकी लोडिंग, और लोडिंग करते हुए ये लोग बहुत ही मेहनती हैं, देखो बोरियों को बड़ी आसानी से उठा देते हैं। तो इनके लिए लाइक करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं आप कितनी मेहनत करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस ट्रॉली में है 125 बोरी आलू और एक बोरी में आता है 50 से 55 किलो के तहत। तो ये ट्रैक्टर जा रहा है मंडी के लिए, मंडी में जाएगा और वहाँ पर होगी ना आलू की सेल, और उसके बाद यही आलू दोस्तों आपकी किचन में होलसेल डीलरों के थ्रू, स्टॉकिस्ट के थ्रू आपके घर में आने वाला है। तो ये फ्रेश आलू आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर में लोड होते हुए। दोस्तों हाँ, रिक्वेस्ट है इन लोगों के लिए लाइक करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, ट्रॉली हो चुकी है कंप्लीट और ये ट्रैक्टर जाते हुए मंडी के लिए। आप देख सकते हैं 125 बोरी आलू को लोड करते हुए ट्रैक्टर चला मंडी करने के लिए। तो दोस्तों ब्लॉग के बारे में अपने सुझाव ज़रूर दें। और हाँ दोस्तों, ब्लॉग कैसा लगा
मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि ये किसानों का हौसला बढ़ाएगी।